इस वीडियो में हम छठा पार्ट ए सकी इसका स्वाध्याय हम देखने वाले हैं। तो चले शुरू करते हैं। कहे मुकरियों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों की विशेषताएं लिखिए। अनुक्रमांक और शब्द। एक, तोता। विशेषताएं, राम भजन के बिना कभी न सोने वाला। दो, नीर, सभी को जीवन देने वाला। तीन, अंजन, सुंदरता बढ़ाने वाला। चार, ढोल, शादी के दिन बहुत आवश्यक व मीठे बोल बोलने वाला। इसके बाद अगला सवाल है। ख, भावार्थ लिखिए। मुकरिया एक, पांच और नौ के भावार्थ हमको लिखना है। तो एक हम देखते हैं, रात समय सखी तारा। उत्तर है, रात समय सखी तारा। तो इसका जवाब है भावार्थ, पहली सहेली कहती है कि रात के समय वह मेरे पास आता है, सुबह होने पर वह उठकर घर चला जाता है। यह आश्चर्य सबसे अलग है। इस पर दूसरी सखी पूछती है कि हे सखी, क्या वह साजन है? जवाब में पहली सहेली बताती है कि नहीं, वह तारा है। इसके बाद हम पांच देखेंगे। अति सुरंग सखी तोता। उत्तर इसका भावार्थ है, पहली सहेली कहती है कि वह बहुत ही सुंदर और रंग रंगीला है, बहुत चमकदार और गुणवान है। वह राम का भजन किए बिना कभी नहीं सोता है। इस पर दूसरी सखी पूछती है कि हे सखी, क्या वह साजन है? जवाब में पहली सहेली बताती है कि नहीं, वह तोता है। इसके बाद हम नौ देखेंगे। तो नौ में है, बिन आए सखी पाती। उत्तर उसका भावार्थ है, पहली सहेली कहती है कि उसके न आने पर मैं सब सुख भूल जाती हूँ, और जब वह आता है तो मेरा अंग अंग पुलकित होने लगता है। उसे सीने से लगाते ही मुझे ठंडक मिलती है। इस पर दूसरी सखी पूछती है कि हे सखी, क्या वह साजन है? जवाब में पहली सहेली बताती है कि नहीं, वह पत्र है। तो इस प्रकार हमने मुकरिया एक, पांच और नौ के भावार्थ लिख लिए हैं। इसके बाद अगला सवाल हम देखेंगे पाठ से आगे। प्राकृतिक घटकों पर आधारित पहेलियां बनाइए और संकलन कीजिए। एक, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा। चारों ओर थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। उत्तर है आकाश। दो, प्रथम कटे तो मल बनता, मध्य कटे तो कल, अंत कटे तो कम होता हूँ, करो पहली हल। उत्तर है कमल। तीन, चांदी जैसे रंग हमारे चमचम करते आते हैं, सूरज के आने से पहले हम घर में छुप जाते हैं। इसका उत्तर है तारे। इसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे, रचना बोल। उत्तर है, आमिर खुसरो ने मुकरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में पहेलियां एवं उनके उत्तर दिए हैं। इसके बाद अगला सवाल है लेखनीय। सुवचनों का संकलन कीजिए तथा सुंदर सजावटी लेखन करके चार्ट बनाइए। विद्यालय की दीवारों को सजाइए। सुवचन हम देखेंगे। एक, तीन चीजें अधिक समय तक नहीं छुप सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। दो, सम्मान पाने के लिए सम्मान देना पड़ता है। तीन, प्रशंसा वह हथियार है जिससे शत्रु भी मित्र बनाया जा सकता है। चार, कड़ी मेहनत करें और सब्र करें, आपको आपका फल जरूर मिलेगा। इसके बाद अगला सवाल हम देखेंगे, आसपास पहेलियों का संकलन कीजिए। एक, एक बहादुर ऐसा वीर गाना गाकर मारे तीर। उत्तर है मच्छर। दो, बिल्ली की पूंछ हाथ में,
बिल्ली पहुंचे इलाहाबाद में, उत्तर है पतंग। 3 काला घोड़ा सफेद सवारी, एक उतरा तो दूसरे की बारी, उत्तर है तवा और रोटी। इसके बाद अगला सवाल है कल्पना पल्लव। पुस्तकों का संसार, ज्ञान मनोरंजन का भंडार, इस संदर्भ में अपने विचार लिखिए। उत्तर है पुस्तकें ज्ञान प्रदान करने का सहज सरल और सुलभ माध्यम है। पुस्तकें हमारे मित्र के समान है। विद्वानों का ज्ञान, उनके चिंतन का सार, उनके जीवन का संघर्ष, सब कुछ पुस्तकों में झलकता है। पुस्तक के संपर्क में आते ही हमारे सामने ज्ञान और मनोरंजन के भंडार खुल जाते हैं। विज्ञान, कला, गणित या कोई अन्य विषय हो, सभी से संबंधित ज्ञान हमें पुस्तकों के द्वारा प्राप्त होता है। विज्ञान, कला, गणित या कोई अन्य विषय हो, सभी से संबंधित ज्ञान हमें पुस्तकों के द्वारा प्राप्त होता है। पुस्तक ज्ञान का ऐसा भंडार है जो असीमित है। हम कितने भी पुस्तकें पढ़ ले, परंतु ज्ञान के भंडार कभी खत्म नहीं होते। पहेली, परियों की कथाएं, छोटी छोटी बाल कविताएं पढ़कर दुखी और उदास मन भी पल भर में पुलकित हो उठता है। एक चुटकुला सुनते ही हंसी के फवारे छूटने लगते हैं। पुस्तकें बच्चों के जीवन को इंद्रधनुष के रंगों की तरह निखारती है। पुस्तकों के माध्यम से वे हंसते गाते ज्ञान प्राप्त करते हैं। मनुष्य अपना एकांत क्षण पुस्तकों के साथ बड़ी प्रसन्नता से गुजरता है। पुस्तकों के बिना यह संसार वैसा ही होगा जिसमें आत्मा के बिना शरीर। तो इस प्रकार कल्पना पल्लवन में पुस्तकों का संसार, ज्ञान मनोरंजन का भंडार, इस संदर्भ में हमने अपने विचार प्रकट कर लिए है। तो इस प्रकार यह उत्तर हमको, यह जवाब को लिखना है। इस प्रकार हमने ये सखी पुनर्पठन इस पाठ का संपूर्ण स्वाध्याय हमने देख लिया है। चैनल में आप नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अपने मित्रों को तथा सहयोगी को यह वीडियो, गृह पाठ पूरा करने के लिए यह वीडियो जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे नए एक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।